लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या कसरत है, अंग अंग हिल रहा है। हिलना मत, जब तक मैं तुम्हारी इन खूबसूरत टांगों को अपने कैमरे के लेंस में दबा नहीं लूं, जब तक मैं तुम्हारे ब्यूटीफुल फिगर को अपने कैमरे के शटर में जकड़ नहीं लूं, हिलना मत, हिलना मत। ए इडियट, कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पड़ोसी। अरे भूषण, भूषण, तुमको याद नहीं? मैं तुम्हारी उंगली पकड़ता था बचपन में और तू मेरा गला पकड़ती थी। एक बार तूने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था और मैं बाल्टी पकड़ के बाहर आया था। तुमको याद नहीं, मैं नदी में नहा रहा था, तू मेरे कपड़े लेके भाग गई थी, मैं नंगू नंगू बाहर आया था। डैडी, देखिए ना ये कौन पागल आ गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? डैडी देखो ये बंदर क्या बकवास कर रहा है। खच्चड़ की औलाद, कौन है तू? आपने भी मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका भूषण पड़ोसी, बुशी बुशी। हाँ, लिया। ये क्या पुलिस से भाग के आ रहे हो? पुलिस से नहीं तो क्यों? तुम्हारी हालत से ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गंदी नालियों में कुछ कीचड़ में फलान के आ रहे हो। आप जो सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बाल्टी भर भर के बरसात हो रही थी, इसलिए मैं भीग गया। ये अचानक एकदम कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मौसा जी, एक साइकिल की दुर्घटना में मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? इसलिए मैं सदा के लिए हमेशा के लिए आपके चरणों में आ गया हूँ। और आपको तो याद होगा कि आपकी पत्नी यानी मेरी मौसी ने मरते वक्त मुझे बुलाकर क्या कहा था। बेटा बुशी, मेरी आखिरी तमन्ना याद रखना, जब कभी तुम शादी करो तो मेरी बेटी रेखा से ही करना, याद है ना मौसा जी? हाँ हाँ याद है बुशी बेटा। मुझे याद है जिस वक्त मेरी पत्नी यानी तुम्हारी मौसी मर रही थी। उस वक्त तुम वहाँ नहीं थे। आए आई। अरे गोविंद क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटे, बूढ़ी मैं हो गई हूँ और सठिया ये गया। आज चंपा का जन्मदिन है और ये पागल सुबह से कुछ खाए पिए बिना उसके लिए तोहफा बनाने में लगा हुआ है। और वो चंपा फूल जमा कर करके आज सुबह से इसके लिए माला बनाने में लगी हुई है। अजीब पागलों के बीच में मैं फंस गई हूँ। अरे दादी माँ, ये पागलपन नहीं है, इसे तो प्यार कहते हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर इन दोनों फूलों को शादी के धागों में पिरो दो, फिर देखना सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों गोविंद भैया? तुम दोनों नजदीक आओ, हम छलांग लगाते हैं, फिर देखो तमाशा। रेडी, वन टू। तुम लोग यही ठहरो, हमेशा मजा चकाते हैं। अरे अरे बोंगे, रुक रुक रुक। ए गोविंद, ला ये बांसुरी हमें दे। ज्यादा होशियारी मत दिखा, ला दे। अच्छा तो ये बांसुरी चंपा को देगा, हमें नहीं देगा? देख रे गोविंद, सीधे सीधे दे दे वरना हम काट लेंगे तुझे। क्या दूसरी बांसुरी ला कर देगा? नहीं, हमें यही बांसुरी चाहिए। Oh, my God.
गूंगे ने हमारी बेटी पे हाथ उठाया? हाँ डैडी, उसने बुरी तरह धक्का दिया, हम जमीन पर गिर पड़े। मुंह में जबान नहीं लेकिन सर घमंड से भरा हुआ उसका। बंदूक चीफ जी, जाओ जाके गोविंद को तलाश करो और जैसे ही वो मिल जाए उसे मार मार कर रेल की पटरी में फेंक दो। जाओ। बेजुबान को जानवर की तरह मार खिलवा दी, एक गरीब लड़की की सालगिरह की खुशियों को बर्बाद कर दिया और खुद यहाँ इस कार्टून के साथ हंसी मजाक कर रही है। लेकिन हमने क्या किया? अगर मैं अपनी जुबान से कहूंगा तो तुम्हारे पत्थर दिल पर असर नहीं होगा, आंखों से दिखाऊं तो शायद उस पर असर हो जाए। अब मैं सहरो मेरे होते हुए, मेरी मौजूदगी में, मेरी आंखों के सामने, मेरी इजाजत के बगैर तुम इसको कैसे ले जा सकते हो? जालिमो भगवान तुम्हारे हाथ मत रोको, एक गरीब को किस बेदर्द से मारा है। तुझे तो मालूम है रेखा कितनी जिद्दी लड़की है, अगर उसने बांसुरी मांगी थी तो दे देनी थी। हम गरीबों का जन्मदिन क्या, मरण दिन क्या, सब एक जैसा तो होता है। मेरे तोहफे के लिए तूने इतने सारे जख्म क्यों खाए? बांसुरी के लिए तुझे नदी में कूदने की क्या जरूरत थी?
मुझे मालूम है गोविंद, तूने ये सब मेरे लिए किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। गोविंद ला तेरा सर मेरी गोद में रख दे, ले जा। देखा उनकी तरफ कैसे एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं, दर्द के एहसास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जख्म एक को लगता है तो दर्द दूसरे को होता है, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं इंसानियत। इंसान दुनिया में इसीलिए पैदा किया गया है, न कि दौलत बटोर कर, गरीबों का हक छीन कर, अपनी मनमानी करने के लिए। अरे जिसे भगवान ने इंसान बनाकर दुनिया में पैदा किया है, उससे जानवरों की तरह बर्ताव करने का दूसरे इंसान को क्या हक है? औरत तो देवी का अवतार लेकर इस दुनिया में आई है, जो मां बनकर औलाद को सही राह दिखाती है, पत्नी बनकर पति के दुख में उसका साथ देती है, प्रेमिका बनकर प्यार का अमृत मर्द की जिंदगी में खुलती है। उसका चरित्र शांत बनाए भगवान ने। अगर भगवान ने तुम्हें अच्छी सूरत देकर पैदा किया है तो अपने दिल से घमंड निकालकर उसमें अच्छी सीरत भी पैदा करो। सूरत तो मिट जाती है, अच्छी सीरत की याद दुनिया में हमेशा बाकी रह जाती है। औरत तो देवी का अवतार लेकर इस दुनिया में आई, जो मां बनकर औलाद को सही राह दिखाती है, पत्नी बनकर पति के दुख में उसका साथ देती है, प्रेमिका बनकर प्यार का अमृत मर्द की जिंदगी में घुलती है। तुम यहां क्या करना? अपने किए पे शर्मिंदा है, माफी मांगने आए हैं। भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूं? भगवान सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन घमंड माफ नहीं कर सकता। जुल्म करने वाले को कभी क्षमा नहीं करता। बस रवि बस, अब ये चुभने वाले शब्द बर्दाश्त नहीं होते। आज हमें पता चला हमारे कारण कितने गरीबों का दिल दुखा होगा, अपने मजे के लिए कितनों की जिंदगियों को हमने बदमजा कर दिया होगा। तुम्हारी बातों से हमें एहसास हुआ कि प्यार किसे कहते हैं, कितना कीमती होता है सच्चा प्यार। दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी प्यार को नहीं खरीद सकती। हमें माफ कर दो रवि। अगर कोई मुझसे कहे कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकला तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे यह कहे कि तुम और तुम्हारे पिताजी बदल गए हैं, इंसान बन गए हैं, मैं ये कभी नहीं मानूंगा।